नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय वालिया जोगियान पुल से विजय टाकीज तक पटरी पर रखकर सामान बेचने वालों को नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर तंग करने को लेकर गरीब सामान बेचने वालों के साथ संजय वालिया ने नगर निगम नगर आयुक्त से बात करने पहुंचे। संजय वालिया स्थानीय लोगों के साथ नगर आयुक्त कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। संजय वालिया ने साफ शब्दों में नगर निगम को चेतावनी दी। संजय वालिया ने कहा, अगर आपके पास कोई कार्य योजना है उसे दिखाएं, तभी लोगों का सामान उठाने का काम करें। उसके बाद संजय वालिया साथियों के साथ विजय टाकीज पहुंचे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय वालिया ने बताया कि निगम की इस कार्यवाही से साफ तौर पर लगता है कि गरीबी को नहीं गरीबों को हटाने की योजना है। धरने पर नफीस समसाद, बिट्टू, दर्शन लाल, सनी, फरीद, अब्दुल मजीद, राजेंद्र सिधाना, ताहिर गालिब, शकील इरशाद, अशरफ मुन्ना, नदीम अंसारी, उस्मान अकरम, अनवर, अमजद राणा आदि उपस्थित हुए। सहारनपुर से ब्यूरो चीफ हैदर अंसारी की रिपोर्ट। आज हम लोग यहाँ नगर आयुक्त साहब से मिलने के लिए पहुंचे, क्योंकि विजय टाकीज पर एक नाला पटरी है छोटी सी, जहाँ आम आदमी रोजी रोटी कमाने का काम कर रहा है और जो नाला बना हुआ है नगर निगम का, उससे भी पीछे बैठकर ये लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे नेगी साहब और ये रोज में तंग करने का काम करते हैं। वहाँ एक तरफा कार्रवाई करने का काम हो रहा है। अगर जो लोग जहाँ पर चिन्हित कर चुके हैं 14-14 फीट तक भी दुकानें, निर्मित दुकानें उसमें आने का काम, और उन्हें छेड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। जो अस्थाई लोग बैठे हैं उन्हें तंग करने का काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम नगर आयुक्त साहब से बातचीत करने आए थे। हमें पता चला 12:15 बजे नगर आयुक्त साहब यहाँ मिलेंगे, लेकिन आधा पौना घंटा हमें यहाँ हो गया है, ना तो नगर आयुक्त साहब है, ना उपायुक्त है, ना कोई और है, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना यहाँ पर उपलब्ध है।